इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया गया करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 0.8 एम्पीयर, देन द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर विल बी गिवन बाय। अभी देखो बच्चों, जब अपन ने प्रॉब्लम सीखने से पहले मैंने आपको करंट डिवीजन रूल बताया था कि करंट डिवीजन रूल की मदद से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या बताया गया, यहां पर 3 ओम ब्रांच से, देखो ये 3 ओम रजिस्टर से जो करंट है वो 0.8 दे रखा है और हमें 4 ओम से क्या निकालना है, तो 4 ओम से हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। मतलब एक बात साफ है कि यहां से पास होने वाला करंट मिलेगा तो ही हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर पाएंगे। देखो यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, यहां से जाएगा, यहां से एंटर करते हुए दो रास्ते मिलेंगे 3 ओम और 6 ओम, फिर जितना जाएगा उतना आएगा और आने के बाद यहां से जितना पास होगा उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, यहां बोला गया है कि यहां से एक सेल और बैटरी कनेक्टेड है, सेल और बैटरी कनेक्टेड है और ये जो कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया यहां से आई करंट एंटर हो रहा है, I1 और I2 दो आपके पास में करंट गिवन है, उसमें से I1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.8 एम्पीयर। तो आपको बताना है कि टोटली इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखो बेटा, आने वाला करंट आई है और जाने वाला करंट I1 I2 है, दोनों जाएंगे और दोनों वापस जुड़ेंगे तो वापस से आई आएगा, बराबर। तो 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा I into R4। अब R4 कितना है, तो 4 into I, ये आपके पास में 4 ओम हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें करंट की वैल्यू निकालना है। अब समझिए करंट कैसे निकलेगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर I1 हमें निकालना हो करंट डिविजन रूल से तो जिसमें निकालना है उससे ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6+3 और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। I1 आने वाला करंट कितना है, तो 0.8 है, 6/9, ठीक है ना, 6/9 मल्टीप्लाई बाय I आपके पास आता है। तो आप यहां देख सकते हैं कुल मिलाकर 0.8 दैट इज 2/3 2.4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई इक्वल टू आ जाता है 2.4/2। अच्छा 2.4/2 कितना आता है, तो वो आता है 1.2 एम्पियर, और 1.2 एम्पियर को आप यहां पे रखते हैं तो V4 इक्वल टू कितना आया, तो 4/1.2 एंड 4/1.2 आपके पास आता है 4.8 वोल्ट। तो हमारा आंसर है 4.8 वोल्ट। एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव